अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल समीना मुस्तफ़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज की मेरी वीडियो कुछ अलग से है। आज मैं आपको बताऊंगी रेसिपी, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है, और उसको मैंने दूसरी दफ़ा बनाया है। इस रेसिपी को माशाल्लाह से बहुत पसंद किया गया हमारे घर में, बच्चों ने, हस्बैंड ने बहुत पसंद किया, और इन लोगों की ख्वाहिश पे मैंने दूसरी दफ़ा ये रेसिपी बनाई है, और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ। तो जी, मैं आज आपको बताऊंगी कि घर में कैसे आसान तरीके से कैरी का शरबत बनाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी दफ़ा बनाऊँ तो आपके साथ भी शेयर करूँ, और आप लोग भी बनाइएगा। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने 1 किलो कैरी ले ली थी, और ये कैरी दरमियानी थी, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, और मैंने कच्ची बिल्कुल कैरी नहीं थी, जो येलो होती है वो वाली ली थी, थोड़ी थोड़ी पक्की हुई थी। तो उसके मैंने पहले अच्छी तरह धो के उसको, फिर मैंने उसके छिलके उतार लिए थे, और इसको बीच में से कट करके, और किस तरह आसानी से इसकी गुठली निकाल सकते हैं, और फिर इसको बीच में से कट करके और इसके गुठली निकाल के और टुकड़े टुकड़े कर देंगे छोटे छोटे, ताकि गलने में आसानी रहे। और यहाँ पे देखें जी, मैंने सारी जो कैरी है वो काट के और इनकी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, और उसके साथ मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया पकने के लिए। और फिर कैरियों को तब तक पकाना जब तक ये बिल्कुल ना गल नहीं जाए। और मैं यहाँ पे बार बार देख रही थी कि पानी उबल रहा है, कैरियाँ कब तक गल जाएंगी, तो ये देखना पड़ता है, वरना पानी सूख जाए तो जल भी सकती हैं। तो इसको बार बार चेक करते रहिएगा। और फिर मैंने यहाँ पे देखा तो देखें बिल्कुल ही हलवा हो गई थी कैरियाँ, और हमें ग्लेंडर करने में भी आसानी हो, तो फिर उसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको फिर मैंने ग्लैंड कर लिया था जूसर मशीन में। और आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी इसको मैश कर सकते हैं। और यहाँ पे जी देखें, मैंने कैरी निकाल दी थी, उसका पानी निकाल के उसको ग्लैंड कर लिया था, और देखें कितनी अच्छी तरह से ग्लैंड हो गई थी, बिल्कुल भी गल गई थी, तो इस वजह से ग्लैंड भी अच्छी तरह से हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1.5-2 गिलास पानी डाल के इसको चढ़ा दिया था फिर से चूल्हे पर पकाने के लिए। और उसके बाद जी पानी का थोड़ा सा उबाल आने लगा, तो उसके बाद मैंने इसमें इसको हिला के, और इसमें मैंने 1/2 किलो चीनी थी तो मैंने 1/2 किलो इसमें चीनी ऐड कर दी, और फिर से उसको उबालने के लिए रख दिया था, ताकि चीनी अच्छी तरह से उसमें गल जाए और हमारी जो स्क्वैश है, जो चांस है इसकी कैरी की, तो वो अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें ये जो शरबत बनाई थी तो उबल के अच्छी तरह से उबल गया है और अच्छी तरह से तैयार हो गई है। और इसकी ये पहचान है कि ऊपर जब जाग आ जाती है तो अच्छी तरह से उबल जाती है। तो उसके बाद मैंने इसको चूल्हे से उतार दिया और उसके ठंडा करने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने 1 गिलास ले लिया है, और उसके साथ मैं डालूँगी बर्फ़। और ये देखें ग्लास में बच गया था ये शरबत, और ये पूरी बोतल भर गई है 1 किलो कैरी में। तो मैं ये वाली शरबत इसमें डालूँगी, और इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा ये कैरी का शरबत तैयार हो चुका है। और ये इसमें आपको रेशे नज़र आ रहे हैं, तो ये मैंने इसको छाना नहीं है, क्योंकि ये इसके रेशे बहुत मज़े के लगते हैं, खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। तो अगर आप चाहें तो इसको छान के भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। अच्छा जी व्यूअर्स, तो आप भी जाएं जल्दी से कैरी का शरबत रेडी करें, और गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी शरबत इंजॉय करें। तो जी देखिए आपने कितनी इजी तरीके से मैंने बनाई ये रेसिपी,
और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को पिलाइएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।